कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सज्जन सिंह वर्मा ने शनिवार को इंदौर में एक थाली सजाई। इस थाली में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक साथ नजर आए और कांग्रेस की गुटबाजी की कहानी भी इस मौके पर दरकिनार होते हुए नजर आई। दरअसल हम बात कर रहे हैं होली मिलन समारोह पर आयोजित सज्जन सिंह वर्मा के पॉलिटिकल भोज की, जहां गुटबाजी से दूर नए पुराने नेताओं का मिलन हुआ। इस सियासी भोज में सज्जन वर्मा सहित सभी नेताओं ने एकजुटता का पाठ पढ़ाया और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का वनवास खत्म करने की बात भी कही। देखिए, इसकी पहल इसलिए मैंने की कि मुझे कभी कोई चुनाव इंदौर से लड़ना नहीं, क्योंकि वरिष्ठता के क्रम में मैं काफ़ी आगे हूं और मेरा कर्तव्य बनता है कि 15 साल से जो दृश्य हम देख रहे हैं कांग्रेस के अंदर, कहीं ना कहीं आपस में मनमुटाव हम लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचने का दृश्य हम लोग देख रहे हैं। तो मैंने ये कहा, सोचा कि क्यों ना मैं खुद की पहल करूँ जिसे इंदौर से चुनाव लड़ना नहीं है, ताकि हर 15 दिन में एक महीने में एक संवाद हो, मंथन हो और जो प्रत्याशी हैं मांगने का अधिकार बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उनको है। लेकिन आग्रह यही किया गया इस मीटिंग में कि 5 मांग रहे तो मिलेगा एक को, और वो तन मन धन से चारों बचे हुए उस व्यक्ति की मदद करें। सज्जन वर्मा ने इस दौरान टिकट के दावेदारों को भी समझाइश दी और अनुशासन में रहने का पाठ भी पढ़ाया। वरिष्ठ लोगों को जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, जिनका सम्मान कांग्रेस का छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता करता है, उनको एक समिति बना के हम आगे ला रहे हैं। वो कम से कम थोड़ा सा अधिकार पूर्वक कड़क होके इस बारे में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, निश्चित रूप से कांग्रेस में थोड़ी हमारी हुड़दंग लीला भी होती है, मैं इससे इनकार नहीं करता, तो वो वरिष्ठ लोगों की समिति बना रहे हैं। प्रवर अध्यक्ष उनसे मेरी चर्चा हुई और एक बड़ी ऐसी अच्छी समिति बनेगी जो अनुशासन के लिए पालन कराएगी। कांग्रेस नेताओं ने भी इस मौके पर पार्टी सचिव की बात का समर्थन किया और एकजुटता के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ने की बात कही। देखिए, वरिष्ठ नेताओं को तो जीवन में बहुत कुछ मिला और मैंने बोला भी, सत्ता भी मिली, सुख भी मिला। 14 साल से जो नया कार्यकर्ता सिर्फ विपक्ष में रह के काम कर रहा है, उसको तो सिर्फ ज्ञान मिला है, प्रवचन मिले, तो आज यदि सब जने मिलजुल कर एकता के साथ, मजबूती के साथ, समन्वय के साथ चले तो खुशी की बात है। सज्जन वर्मा जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हैं, हम सबके बड़े भी हैं और उन्होंने जो शुरुआत करी है, निश्चित रूप से वो साधुवाद के पात्र हैं। मन साफ करके यदि कांग्रेस चलेगी तो भविष्य सुखद है, और नहीं तो जो है और उससे अच्छा समय तो आएगा नहीं। जो समय है उससे अच्छा समय तो तभी आएगा जब सब एक हो। लेकिन आज हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, यदि हमारी कुछ कमियां हैं तो हम उसको ढकने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन जो कुछ लोग उन ढकने वाले काम को उजागर करने का काम करते हैं, तो मेरा उनको समझाइश देने का काम है कि कांग्रेस को मजबूत करो, कांग्रेस की कमियों को ढको और कमी दूर करके मजबूत होकर उभरो। सज्जन वर्मा के इस सियासी भोज में दावेदार भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आए, लेकिन बड़े नेताओं ने दावेदारों को भी एकजुट होकर मैदान संभालने की सीख दी। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर पटेल, कृपाशंकर शुक्ल, चंद्र प्रभास शेखर, जिला अध्यक्ष अंतर सिंह दरबार, विधायक जीतू पटवारी, पूर्व विधायक तुलसी सिलावट, अश्विन जोशी, पंकज संघवी, सुरेश मिंडा, नरेंद्र सलूजा, अनिल यादव, दीपू यादव, शैलेश गर्ग, विशाल पटेल, अमन बजाज और मंजूर बेग सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।